नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए डालते हैं नजर ललितपुर जिले की कुछ खास खबरों पर। ललितपुर जिले की पाली तहसील निवासी उमा देवी ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भारी अनियमितताएं और गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हमसे कम गुणांक वाले ओबीसी वर्ग की छात्रा का तो नाम है, लेकिन मेरे अधिक नंबर होने के कारण मेरा नाम नहीं है। जिस कारण उन्होंने आज जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि शिक्षक भर्ती में हो रही भारी अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया जाए। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। सर, हम लोग पाली से आए हैं और हमारा नाम उमा देवी है और हमें 69,000 भर्ती जो पहले लिस्ट आई थी ना, उसमें हमारा नाम था और हमारे जो गुणांक है ना वो 70% है और अभी जो 31,000 भर्ती की लिस्ट आई है उसमें हमारा नाम नहीं है, और जबकि हमसे कम गुणांक वाली लड़कियों का नाम है और पाली से ही लड़की हैं कुछ जिनकी 68% है, उनका नाम है, ओबीसी वर्ग से हैं और हम, और सर हमारा नाम नहीं है जबकि हमारा 70 गुणांक है। सर, हमारी सहेली है ना पाली में, वो भी ओबीसी वर्ग की है, उसका नाम आया है। हमारी यही मांग है कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे साथ ही अन्याय नहीं किया जाए। सर, हमने बचपन से बहुत लगन से पढ़ाई की और हम बहुत गरीब फैमिली से हैं। हमारे पापा ने सर जैसे भी व्यवस्था की हम लोगों को पढ़ाया, और जबकि हमारे गाँव में सभी की ऐसी शादियाँ कर देती थी, हमारे पापा ने सोचा कम से कम पढ़ेगी और कुछ बनेगी। सर, हमने बचपन से बहुत पढ़ाई की, जैसे भी व्यवस्था हुई हमने बहुत लगन से पढ़ाई की, लेकिन सर हमें जॉब मिल जाए हमारी यही मांग है। सर, हम लोग DM साहब के पास आए ज्ञापन देने।